वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, आपके निप्पल का रंग डार्क हो जाता है, जो किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल का रंग डार्क हो जाना, आपके निप्पल में दर्द होना, साथ ही आपके निप्पल का डार्क होने के साथ साथ उसमें खुजली होता है, जो किस बात का संकेत देता है। दोस्तों, काफ़ी लोग तो ये भी मानते हैं कि प्रेगनेंसी में आपके निप्पल में खुजली होने से आपका होने वाला बच्चा लड़का होता है, या तो आपके प्रेगनेंसी में आपके निप्पल पर खुजली नहीं होती है तो आपका होने वाला बच्चा लड़की होती है। दोस्तों, ये किस हद तक सही है, इसकी भी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में बताई गई है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जो आपका ब्रेस्ट होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होते जाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए मिल्क का सप्लाई करता है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रेगनेंसी के साथ साथ आपका ब्रेस्ट जो होता है उसका आकार बढ़ते जाता है, साथ ही जो आपका निप्पल का रंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके निप्पल पर खुजली होता है, जो किस कारण से होता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ता है, और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका स्किन ड्राई होते जाता है, जिसके कारण आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको इचिंग से बचने के लिए अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना चाहिए, एलोवेरा जेल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में आपका निप्पल का रंग डार्क हो जाता है, जिसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी में आपके शरीर में मेलनिन नामक जो हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनने के कारण प्रेगनेंसी में जो जो पार्ट आपका ज़्यादा डार्क होता है, जिसमें ज़्यादा पिगमेंट एरिया होती है, वही एरिया और भी ज़्यादा आपको ब्लैक दिखाई देता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपको ये दो चेंजेस ज़रूर दिखाई देता है, साथ ही आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होता है, और जो जो पिगमेंट एरिया होते हैं वो ज़रूर ही ब्लैक आपको दिखाई देता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपके निप्पल पर इचिंग होना या तो आपके निप्पल का डार्क होना, ये दोनों ही काफ़ी आम बात होती है। और जो ये लोग बोलते हैं कि आपके निप्पल के डार्क होने से या तो ब्रेस्ट में इचिंग होने से आपका होने वाला बच्चा बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके शरीर में काफ़ी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, तो ये भी ऐसा ही बदलाव है जो कि आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर नज़र आता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में निप्पल का रंग डार्क होना और आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ना दोनों ही नॉर्मल होता है, आपकी प्रेगनेंसी में ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, और ये बिल्कुल संकेत नहीं देता है कि आपके गर्भ में लड़की है या लड़का। ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए, गर्भ में लड़की हो या लड़का, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए।